पाच नंबर वाली तशी झाल्यानंतर हे येणार नाही का तुमचं शिव नाव? तुम्ही तर चुकी केली आता बघा, नाही ना पडलं ना, पडलं नसतं ते बघायचं असतं ते, नका नका त्याच्यावर लिहू नका आता, वेगळं लिहू नका, तुम्हाला वेगळं लिहू नका, वेगळं लिहू नका. मी बघी हे बघा इथे 50 तुम्ही पावती दिलात आम्हाला, त्याच्यावरती ब्लू प्रिंट आहेच नाही, याचा अर्थ काय होतो? तो गाइस अभी मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली कल क्या सीन हुआ. एक्चुअली मैंने रात को जाकर रिकॉर्ड किया बट वो इतना अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हुआ बिकॉज रात को मैं जब रिकॉर्ड करने गए तो लाइट चली गई. तो एग्जैक्टली क्या हुआ मालूम क्या, जैसे हम लोग ने अम्बेली विलेज से ट्रैकिंग करना चालू किया तो अभी जैसे हम लोग अंदर आए तो हम लोग को दिखा एक चेक पोस्ट जहाँ पे फॉरेस्ट वाले का रहता है. तो ठीक है वो इतना तक था तो वो लोग ने हमसे 50 रुपीज़ मांगे, मतलब एक ही आदमी था तो उसने हमसे 50 रुपीज़ मांगे एंड वी आर रेडी टू गिव. बट मैंने क्या किया, मैंने कॉल किया जो कैंप साइट जिनका है उनका, तो उधर मैंने कॉल करने के बाद ना मेरे को बताया गया कि उसके पास ध्यान रखना, अगर वो ब्लू प्रिंट के साथ पावती बना रहा है तो उसको 50 रुपीज़ पर पर्सन दे देना. तो हम लोग ने वेट किया एंड देखा ना तो उसने वो ब्लू प्रिंट नहीं यूज़ किया था. तो मैंने फिर उसको पूछा कि दिखाओ कि ब्लू प्रिंट यूज़ किया है क्या, तो वो नहीं था. देन वो अलग अलग रीजंस देने लगा. तो वो रीज़न आपने सुना भी रहेगा वीडियो में कि वो बोल रहा है कि ब्लू प्रिंट में गीला हो गया इसलिए यूज़ नहीं किया, या गिर गया मेरा ध्यान नहीं गया, ये सब रीज़न देने लगा. प्लस वो पावती के ऊपर रखा है 20 रुपीज़ एंड ये लोग ले रहे हैं 50 रुपीज़. तो ये कहीं पे जाके रुकना चाहिए बिकॉज आप अगर पैसे दे देते हो बिकॉज आप ट्रेक को आते हो तो आप इतना ध्यान नहीं देते, बट ये जो पैसा रहता है ना वो फोर्ट्स के रिपेयरमेंट पे यूज़ होता है या फिर फोर्ट्स के जो जाने का वे रहता है इसके ऊपर यूज़ होता है, या थर्ड थिंग वो पर्टिकुलर जो बेस विलेज रहता है ना उसके डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता है. तो मेक श्योर आप ध्यान दो, अगर ये पैसे आप दे रहे हो ना तो आप इस चीज़ के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, इसके रिपेयरमेंट के लिए, इसके संरक्षण के लिए, मतलब इसके जो मेंटेनेंस रहता है ना उसके लिए आप पैसे दे रहे हो. तो मेक श्योर वो पैसा है ना वो पर्टिकुलर यूज़ के लिए जाए एंड वो किसी और पर्सन के पास ना जाए. और मैंने ये पैसा बिल्कुल उसको दिए नहीं बिकॉज ये ऑलरेडी फालतूगिरी कर रहा था. तो मैंने उसको डायरेक्टली बोल दिया कि मैं पैसे नहीं दे रहा हूँ, तो आपको जो करना है कर लो एंड मैं ऊपर आ गया. तो मेक श्योर कि आप कहीं पे भी जा रहे हो, कोई भी फूड जा रहे हो, तो ये चीज़ का ध्यान रखना कि उसका ब्लू प्रिंट बन रहा है, जितना अमाउंट है उतना ही देना. तो इस चीज़ के वजह से क्या होता है, फूड के प्रॉपर मेंटेनेंस होता है उसके, फूड्स के ट्रेल्स में आपको डस्टबिन दिखाई मिलते हैं एंड ये सारे पैसे ये चीज़ के लिए यूज़ होते हैं. तो मेक श्योर जब आप पैसे दे रहे हो तो एक पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए दे रहे हो एंड उसका वो पर्पज़ कम्प्लीट हो जाए, बस दैट्स इट. सो हेलो नमस्ते, आता अपनी स्वागत है अपने चैनल उस्ताद टाइमपास मध्ये. और आज हम जाने वाले हैं कोतलीगढ़, वो है कर्जत में. और आज का जो दिन रहेगा ना काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार रहेगा बिकॉज आज के दिन में हम लोग सिर्फ ट्रैक नहीं करने वाले हैं, हम लोग जाके वहाँ पे स्टे भी करेंगे. मतलब ऑलमोस्ट हाफ हम लोग आज क्लाइम करेंगे और अगला वाला हाफ पोर्शन है ना हम लोग कल क्लाइम करने वाले हैं. तो ये वाला वीडियो है ना काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहेगा, काफ़ी एडवेंचरस भी रहेगा और साथ ही साथ मेरे को कुछ नए सीखने को मिलने वाला है. तो वीडियो में बने रहो क्योंकि बहुत कुछ आज सीखने को भी मिलेगा आपको भी और उसी के साथ मेरे को भी, एंड एन्जॉयमेंट तो रहेगी. ट्रैवलिंग के समय जो सबसे मेन टास्क आ रहा है वो है लॉकडाउन रूल्स. तो आज के वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि लॉकडाउन में अगर आपको कोतलीगढ़ जाना है तो कैसे एग्जैक्टली ट्रैवल करना है. सो गाइस आज सभी लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना मेरे पे, बिकॉज ना ये जो प्लान है ना वो मैंने प्लान किया था तो उसके वजह से इन सारे लोगों को मेरे को संभालना है, मेरे को लीड करना है. तो एक अच्छी बात है मेरे को आज लीड करने के लिए मिलेगा. प्लस आज हम लोग है ना टोटली 8 जन का ग्रुप है तो 8 जन जाके हम लोग स्टे करेंगे एंड कल अर्ली मॉर्निंग हम लोग ट्रैक करेंगे. एंड मज़े की बात ये है ना कि इनमें से सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस ना मैं हूँ, तो मेरे को इनको कुछ भी करके संभालना है, कुछ भी करके गाइड करना है एंड इंस्ट्रक्शन देने हैं. सो कोतलीगढ़ जाने के लिए आपको सबसे पहले पहुँचना पड़ेगा वो है कर्जत स्टेशन. सो गाइस अभी हम लोग कर्जत आ गए हैं एंड अगर आपको कर्जत आना है अभी वो भी लॉकडाउन में, तो आपको 2 बस चेंज करने पड़ते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ता है, पनवेल तक आना पड़ता है और पनवेल से फिर से आपको कर्जत तक आना पड़ता है. तो लॉकडाउन में सभी को यही करना पड़ रहा है. सेकंड ऑप्शन है कि आप ट्रेन से डायरेक्टली आ जा सकते हो, वो भी आपके रिस्क के ऊपर. तो आपको कर्जत में ईस्ट साइड आना पड़ेगा अगर आपको रिक्शा चाहिए रहेगी तो. ये आपको अम्बेली विलेज डायरेक्टली छोड़ रहे हैं तो उसका वो लोग 400 ले रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छी डील पड़ रही है बिकॉज अगर हम लोग बस से जाते तो यहाँ से हम लोग को कशेली जाना पड़ता और कशेली से फिर से हम लोग को
टमटम करनी पड़ती तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, और अभी बस का अवेलेबिलिटी भी प्रॉपर नहीं है, तो हम लोग ने सोचा कि 400 में सबको ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ आ रहा है जाने का एंड आने का फिर से 100, तो ये अच्छी डील है। तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दे दूंगा, तो वो नंबर आप चेकआउट कर सकते हो, और इसमें आने से पहले कॉल कर देना उनको। तो गाइस जाते जाते ना हम लोग यहाँ पे रुक गए, एंड क्या व्यू है यार, मतलब मस्त ऐसी नदी बह रही है, पूरा ग्रीनरी है, फॉगी क्लाइमेट है, तो सोचो ही ना कि फोर्ट पे क्या होगा। वहाँ पे जाने के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा अभी एक्साइटेड हो गए, बिकॉज यही क्लाइमेट इधर का अच्छा है तो उधर का और बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। कर्जत से अम्बेली विलेज का ऑलमोस्ट डिस्टेंस 20 किलोमीटर है, जिसके लिए हमें ऑटो से 1 घंटा लगा। तो ये होटल उन्हीं का है जिनके ऊपर कैंप साइट है। ये पुढे जाऊन जाऊन मातीचा रस्ता लागला, वरती टेक याच्यावरती गेला की गड दिसतो, तिथून अजून पावन वरती जवळपास एक पाऊन तास चालल्यावरती गाव लागतं। गावाच्या इथे गेलं की 2 रस्ते लागतात, लेफ्ट अँड राईट, लेफ्ट लेफ्टचा रस्ता तो घ्यायचा। सो गाइस अभी हम लोग ना अम्बेली विलेज में उतरे एंड यहाँ से हम लोग ना अभी ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट ट्रैक के लिए ना 1 से 1.5 घंटा लगेगा। तो देखते हैं, हम लोग को वीडियोस भी बनाने हैं, प्लस हम लोग के जो बॉयज़ एंड गर्ल्स है वो कितना टाइम लेते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो अभी 5 बज रहे तो ऑलमोस्ट हम लोग को 7 हो जाएगा, तो होप सो अंधेरा नहीं हो, बाकी मैं संभाल सकता हूँ। वैसे टॉर्च एंड ऑल हम लोग ने कैरी किया है, बट फिर भी जितना लाइट में हम लोग पहुँचेंगे ऊपर तक उतना ही अच्छा है। सो गाइस अगर आप बिगिनर्स हो तो ये आपके लिए परफेक्ट ट्रैक है, बट काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ता है। सो गाइस अभी हम लोग ने यहाँ पे ब्रेक लिया था, इसको बोरघाट बोलते हैं, एंड यहाँ से ना फोर्ट है ना पूरा विजिबल है, आप पीछे देख सकते हो, यही है कोथलीगढ़, और सुबह हम लोग को इसी पे ट्रैक करना है। और आज हम लोग ना वहाँ पे वो बेस विलेज है वहाँ पे जाके रुकेंगे, एंड कल सुबह हम लोग ट्रैकिंग करने वाले। और अभी का जो मौसम देखो, यहाँ का जो एनवायरमेंट देखो कि क्या हो गया यार, सराउंडिंग देखो ना, पूरा फॉग आ गया, उसके ऊपर क्लाउड्स है, ग्रीनरी एंड वाटरफॉल है यार, क्या ही लग रहा है ये। एंड ऐसे मौसम में ट्रैक करने के लिए ना और मज़ा आता है, यहाँ पे भी अगर हम लोग को रुकने को बोलेंगे ना हम लोग पूरा रात काटने को तैयार है, बिकॉज बहुत अच्छा लग रहा है इधर से। और मैंने अभी जस्ट टाइम लैप्स लिया, तो फिर वो टाइम लैप्स अभी आप देखना ज़रूर। कोथलीगढ़ पार्टी का है, हाँ, कोथलीगढ़ कोथलीगढ़च्या मागे आता धोक्यात जो है, हाँ, तो कावलेची धार है, कावलेची धार, ओके, तो वो कावलेची धार है, आणि इकडे नाकिन घाट, नाकिन घाट, ओके, याचा पार्टी नाकिन घाट, पुण्याचे हद्द चालू होते ना इथून, हां पुण्याचे हद्द चालू। चल श्रद्धा 20 मिनिट ही है। सो गाइस ये एक कॉफ़ी का कप है मैगडी का, स्पेशली मैगडी मेंशन कर रहा हूँ बिकॉज मेरे को क्या बोलना है कि ये गांव वाले तो नहीं है, तो ये सिटी साइड से ही आ रहे हैं जो यहाँ पे आके कचरा कर रहे हैं, तो ये बात अपने को पॉइंट नोटिस करना पड़ेगा, एंड ये कहीं तो जाके स्टॉप करना पड़ेगा, बिकॉज फोर्ट से ना वो कचरा स्प्रेड करने के लिए नहीं है। फोर्ट क्या, कोई भी नेचर वाली स्पॉट रहने दो, प्लेस रहने दो, आप ट्रैवल कर रहे हो ना, तो आपका जो कचरा रहता है ना वो अपने साथ फिर से लेके आना ये आपकी जिम्मेदारी है। ये एटलीस्ट स्कूल जाने वाले बच्चे भी नहीं समझ रहे, मतलब क्या बोलेगा। ओके गाइस, तो अभी मैंने जो बोरघाट बताया था वहाँ से चल के आने के बाद ना आपको ये झाड़ मिलेगा और ये आपको घर मिलेगा, तो वो साइड से आओगे ना तो आपको लेफ्ट लेना है, राइट में नहीं जाना है, बस इतना ही ये कंफ्यूजिंग वे था, उतना ही आपको ध्यान रखना है, बाकी पूरा रास्ता स्ट्रेट है।
सो गाइस अभी हम लोग फाइनली कैंप साइट पे आ गए हैं। ये पूरा है वो जो कैंप साइट है। नॉर्मली जब बारिश नहीं रहते ना तो ये लोग बाहर टेंट लगाते हैं, बट अभी बारिश है ना तो फिर यहाँ पे ही टेंट लगेंगे। एंड एक्चुअली ना मैं आपको बताने भूल गया, तो अगर आपको यहाँ पे आना है ना तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में जो डिटेल्स दिए वहाँ पे जाके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। काफ़ी अच्छी प्लेस है। अभी क्या है मानसून है ना, इसलिए ना ये लोग सिर्फ 6 टेंट यहाँ पे लगा सकते हैं, बट नॉर्मली विंटर टाइम के क्या होता है ये जगह पूरी ओपन मिलती है, तो विंटर के टाइम पे ना और ज़्यादा मतलब 20 से ज़्यादा भी अगर ग्रुप रहता है ना आपका तो आप आराम से यहाँ पे कंफर्टेबली आ सकते हो। एंड सर्विस जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी रीजनेबल प्राइस में ये लोग ने हम लोग को दिया, तो आपको भी ये मिल सकते हैं। तो आप जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हो जब आपको कोथलीगढ़ आना है। एंड अभी हम लोग फिलहाल थोड़ा सा बाहर घूमने के लिए जाएंगे। ये लोग ने हम लोग को बोला कि चलो थोड़ा नाइट वॉक करके आते हैं जंगल में, एंड आई एम ऑलवेज एक्साइटेड फॉर सच थिंग्स, तो फिर चलो बाहर जाते हैं। इसका तो मैं कुछ शूट नहीं करूँगा, बट शायद से ये वीडियो अभी यहीं पे एंड करते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे। सो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, एंड कल हम सुबह कोथलीगढ़ जा रहे हैं तो ये अलग से व्लॉग बनेगा। थोड़ा सा रिस्की पैच है गाइस, क्या करते हो ना ये थे? अच्छा ठीक है खाली जाऊँ श्रद्धा सोबत। बस तेला हाइट फियर है, तेला हाइट फियर है, नको 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 उतरता ना हालत खराब होना।